प्यारे बच्चों, कल हमने उर्दू के हमद पढ़े थे ऑनलाइन, आपको हमने पढ़ाए थे, आपने उसको लिखे होंगे किताब बुक में, अच्छे तरीके से लिखे होंगे उसको और अच्छे तरीके से याद किए होंगे। आज हमारा पीरियड है रियाजी का, आज हम रियाजी का पीरियड पढ़ेंगे और हमारा भगवान है जमा का अमल। जमा का अमल किस तरीके से होता है आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, आपको इस खाते के अंदर कुछ अदद लिखे अदद लिखे हुए दिख रहे होंगे और कुछ हरफ़े तहजी के अल्फाज, उसमें पहला है अलीफ, दूसरा है दाल, तीसरा है सीन। हम रियाजी के अंदर अलीफ को लिखेंगे इकाई, दाल को लेंगे दाही और सीन को लेंगे सैकड़ा। इस तरीके से हम इनका जमा का अमल करेंगे। पहला अदद है हमारा 5 इकाई में, दूसरा अदद है हमारा 4 इकाई में। इन दोनों की हमको जमा करना है, क्या करना है, जमा करना है। अब जमा किस तरीके से होगी, पहला अदद है हमारा 5, वो है बड़ा, छोटा अदद है हमारा 4, वो है छोटा। तो 5 में हम 4 को जमा करेंगे, किस तरीके से करेंगे, हमारे पास 5 है, हमको 4 उंगलियां निकालना है, कितनी निकालना है 4, 5 जैसा का वैसा है। 5 के बाद हम लेंगे 6, 7, 8 और 9, तो यहाँ हमारा इकाई का जवाब आ गया है 9। दूसरा अदद है हमारा 3 दाई में, उसके बाद दूसरा अदद है 2, 3 को हम 2 में जमा करेंगे, 3 को हम 2 में जमा करेंगे। तो हमारे पास 3 है, हमको 2 उंगलियां लेना है, क्या लेना है, 2 उंगलियां, 3 के बाद हम गिनेंगे 4 और 5, तो यहाँ हमारा दूसरा अदद आ गया है, जवाब आ गया है 5। अब है इसके बाद सैकड़ा, सैकड़े में पहला अदद है 1, दूसरा अदद है 0, 1 में 0 जमा होता नहीं, तो 1 का 1 हमको लिखना पड़ेगा, तो हमारा जवाब आ गया 159। क्या आया है जवाब हमारा, 159। दूसरा सवाल है हमारा जमा का ही, हमारे इसको भी हमको जमा ही करना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है इकाई दाई सैकड़ा दिख रहा है, अब इकाई से इकाई की हमको क्या करना है, जमा करना है। 7 हमारे पास है पहला अदद, दूसरा अदद हमारे पास 2 है, हमको 7 में 2 जमा करना है, क्या जमा करना है, 7 में 2, 7 हमारे पास है, उसके बाद से हमको गिनना है, ये हमने 2 उंगली निकाले है, 2 उंगली में पहला 7 के बाद दूसरा 8 और 1 9, यहाँ हमारा जवाब हो गया है 9 इकाई। अब दाई का हल करेंगे, 4 में 5 जमा करना है, कितने जमा करना है, 4 में 5, अब हम निकालेंगे 5 उंगली, कितने उंगली 5, अब 4 के बाद गिनेंगे 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ भी हमारा जवाब क्या आया है 9। अब सैकड़े की सैकड़े से जमा करना है, यहाँ हमारे पास इकाई में सैकड़े में पहला अदद दिया हुआ है 2, उसमें हमको 7 जमा करना है, कितने जमा करना है 7, अब निकालेंगे हम 7 उंगली, कितने उंगली 7, 2 के बाद गिनेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आ गया हमारा जवाब 9। दूसरे सवाल का जवाब आया हमारा 999, कितना आया 999। अब इसी के बाद हम इसमें तीसरा भी जमा का अमल ही हल करेंगे। इकाई में हमारे पास 6 है और 1 है, कितने हैं 6 और 1, अब 6 को 6 में हमको 1 जमा करना है, 6 तो हमारे पास दिए हुए हैं, हमको 1 जमा करना है, तो 1 उंगली निकालेंगे, 6 में 1 जमा किए तो वो है 7। दाई में हमारे पास 2 अदद दिए हुए हैं, पहला अदद है 4 और दूसरा अदद है 3, अब 4 में हम 3 जमा करेंगे, कितने जमा करेंगे 3, 5, 6 और 1, 7। इसी
इसी सवाल में तीसरा हमारे पास है सैकड़ा, सैकड़े की सैकड़े से जमा। छह अंदर हमारे पास दिए हुए हैं, हमको चार उंगली निकालना है। कितनी उंगली निकालना है? चार। छह के बाद हम गिनेंगे सात आठ नौ और एक दस। तो यहाँ हम पूरे दस के दस लेंगे। इसी तरह यहाँ पे इसका जवाब आया है 1077। कितना है? 1077। अब इसी में जमा के अमल में हमारा आखिरी सवाल है। इकाई है दीवी, दाई है दीवी, सैकड़ा है दिया। उसी तरह इकाई में दो अदद है, एक और छः। तो एक से छः की हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। अब हमारे पास एक दिया हुआ है, छः अदद हमको उसमें जमा करना है। तो हम छः उंगलियाँ निकालेंगे और उसको गिनेंगे एक के बाद से। तो दो तीन चार पाँच छः और एक सात। तो हमारा जवाब आया है यहाँ सात। दाई में हमारे पास दो अदद दिए हुए हैं, सात और दो। सात में हमको इसे जमा करना है दो। तो सात के बाद हम गिनेंगे आठ और नौ। इसी तरीके से सैकड़े में दो अदद दिए हुए हैं, तीन और तीन। तीन में तीन की जमा करेंगे। तीन तक तो हमारे पास है, तीन उंगलियां निकालना है, हमको गिनना है तीन के बाद चार पाँच और एक छः। तो हमारे यहाँ जवाब आ गया है 697। कितना आया है? 697। अब आपको ये जमा का अमल समझ में तो आ गया होगा। इसको अपनी बुक में लिखना है और इसको इसी तरीके से हल करना है। और उसके बाद हम जो आपको WhatsApp पे भेज रहे हैं लिंक, वो लिंक पे देखिए और उसी WhatsApp पे उसको हल करके हमको फोटो भी भेजाइए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।